आजकल समाज में सोशल मीडिया ने जिस तरह का बिखराव पैदा किया है, जिस तरह की नफरत की बातें आती रहती है, उसमें सही जानकारी का अभाव होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये सही जानकारी आपको सिर्फ किताबों से मिल सकती है। कुछ अम्मा बोल रही थी, मैं दोबारा से बुलवा लो, क्या बोलना मैं बोलूँ, और मेरा फोटो खींच ले। फोटो खींच लो, टीवी पे आना चाहिए फोटो। अरे तुम मथुरा से आओ? मथुरा से आए, यहाँ तो किताब का मेला लगा। किताब का बेटा जब किताब छपाता है तो वो किताब, मतलब उसकी किताबें आई हुई है। अपनी जिंदगी में कोई किताब पढ़ी हो आप? मैंने पढ़ी है, यहाँ की भी पढ़ी है, और मैं ज्यादातर धार्मिक ज्यादा पढ़ती थी। कौन सी? सच्चा पड़ोसी और पुराने अपने। सच्चा पड़ोसी कौन धार्मिक किताब? नहीं, अरे इसमें है, ये तो कोई बात नहीं, मैं तो वो पढ़ती बेटा जो स्त्रियों के कर्तव्य शिक्षा, सतियों के बारे में अपने समय पे उन्हें पढ़ती थी। आजकल तो उनको कोई जानता भी नहीं है, पर बेजा नारियों की उनकी पढ़ती थी मैं तो। जी बताए, मैं आपको कैच कर रहा हूँ। नहीं कुछ नहीं, पुस्तक मेले में घूमने आए हैं, एक अच्छा प्रयास। हम खुद भी लिखते हैं, प्रदीप मिश्र अजनबी करके हमारा नाम है, गज़ल और गीत लिखते हैं, लेकिन ये अच्छा प्रयास है। यहाँ ना खरीदने पे भी नई नई चीज़ों की, नई नई पुस्तकों की जानकारी। आप गज़ल गीत वाले हैं तो एक गज़ल, कुछ शेर व शायरी गज़ल सुनाइए। तो लीजिए सुनिए, एक मिसरा, एक मतला और दो शेर। जाने कैसे ख्वाब आँखों ने बुने हैं, गमजदा एहसास बढ़कर दो गुने हैं, और पुर मोहब्बत है रियासत दिल की यार, रंजो गम और दर्द यहाँ के पाहुने हैं। और एक शेर और लेते जाइए, खास माहौल के ऊपर है के मुल्क के हालात और बद इंतजामी, ये नुमाइंदे तो खुद हमने चुने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।